नमस्कार दोस्तों, कैसा आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग मेरा शुरू हो रहा है इवनिंग से। तो इवनिंग में आजकल हमारा जो रूटीन हो रहा है वो क्या हो रहा है कि दो टाइम हमें नहाना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा उमस हो रही है, तो अभी भी मैं नहा करके आई हुई है और कूलर में अभी मुझे पानी भी डालना है और मैंने बाथरूम में बाल्टी भर के रखी है। तो मैं पहले बना लेती हूँ बाल और उसके बाद कूलर में डालूंगी पानी, और तब तक आप बने रहे हमारे वीडियो में। बाल मैंने बना ली है, तो चलिए अभी कूलर में डाल लेते हैं पानी। बाल्टी मैंने भर के रखी है बाथरूम में। थोड़ा पानी गिर गया है तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है पायदान, तो अभी मैं और काम कर लेती हूँ फटाफट। अब बाहर डाल रखे हैं कपड़े, ज़्यादा नहीं है, दो चार ही हैं, तो उनको उठा के ले आती हूँ और देख भी लेती हूँ पानी भर तो नहीं गया कहीं। कपड़े लाके मैंने फोल्ड भी कर दिए हैं ये, तो अभी मैं इनको रख देती हूँ अंदर और फिर जाते सीधे किचन में। किचन में आ तो गई हूँ लेकिन मुझे याद आया कि सब्जी तो कुछ है नहीं, लवी के मतलब की कोई सब्जी नहीं है, क्योंकि करेला है, करेला मैं आज बनाऊंगी नहीं। और अभी मैं जाऊंगी थोड़ी देर में घूमने के लिए, तो वहीं से सब्जी वगैरह भी ले लूँगी और थोड़ा हमारी घुमाई भी हो जाएगी। और लेकिन तब तक मैं अभी थोड़ा मुझे रुकना पड़ेगा क्योंकि अभी मैंने मोटर चला रखी है, और जब तक दोनों टैंकी भर नहीं जाती तब तक मैं यहीं पर ही रुकूंगी, क्योंकि लवी भी यहाँ पर घर पर नहीं है। और जिन्हें जब लवी रहती है तो मैं उसको बोल देती हूँ कि पानी भर देना करके, लेकिन आज वो है नहीं तो मुझे रुकना पड़ेगा। और अंदर बैठ के भी क्या करूँ, तो चलिए अभी चलते छत में, थोड़ा घूम भी लेती हूँ और देख भी लूँगी पानी भरा कि नहीं भरा। छत में ले चलते हैं आप। ये छत में इतनी धूप आ रही है, मौसम एकदम साफ है, हल्की हल्की हवा चल रही है, लेकिन अच्छा लग रहा है। अंदर के अपेक्षा छत में काफ़ी अच्छा लग रहा है, हवा चल रही है, उमस नहीं हो रही छत में। तो अभी पता नहीं कितनी देर मुझे अभी और रुकना पड़ेगा, ऊपर जाके देख लेती हूँ टंकी कितनी हो रही है, दोनों में बराबर बराबर कर दूँगी नहीं तो। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ ऊपर वाली छत में, जहाँ पे हमने लगाई है टंकी। ये ऊपर तो और अच्छा हो रहा है, इतनी मौसम बढ़िया लग रहा है ऊपर, थोड़ा ठंडा ठंडा है। तो पहले मैं टंकियाँ चेक कर लेती हूँ। एक टंकी भरी है, थोड़ी सी रह गई है, और ये टंकी ना आधे से ज़्यादा खाली है, तो अभी इसको भरने में ना थोड़ा और टाइम लगेगा। तो अभी मैं थोड़ी देर और छत पर रुकूँगी और यहाँ से आपको व्यू दिखाती हूँ। ये तो अभी मैं आ चुकी हूँ नीचे, और जब तक टंकी भरने जाती है यहीं पर ही रुकती हूँ। और राधा का फ़ोन भी आ रहा है घूमने के लिए, आ जाओ करके, तो लेकिन अब मैं घूमने नहीं जाऊँगी, सब्जी लेने जाऊँगी जब टंकी भर जाएगी। तो अभी फ़िलहाल मैं छत में ही घूम लेती हूँ। धूप लग रही है छत में भी, तो नीचे जाती हूँ। 6:30 हो गया है और अंदर काफ़ी गर्मी हो रही है, तो चलिए अब चलते हैं थोड़ा बाहर को, और बाहर की ठंडी हवा खा के आते हैं और फिर मिलते हैं हम आपसे घूम के आने के बाद। चलो अभी हम आ चुके हैं घर। ये गए थे अलग अलग और आ रहे हैं साथ में। ये भी पकड़ो खाना। तो चलिए चलते हैं अंदर। बाप रे, अंदर तो इतनी गर्मी हो रही है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कितने दिन से दरवाजे खिड़की खोले ही नहीं होंगे, इतना तेज भपका आया कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो चलिए अभी मैं धो लेती हूँ हाथ मुँह और फिर मिलते हैं आपसे किचन में। तो चलिए सबसे पहले जलाते हैं दिया मंदिर में, फिर करते हैं और काम। तो अभी मैं लाई हूँ बैगन, बैगन बनाऊंगी। ये बैगन जल्दी बन जाते हैं, कट भी जल्दी जाते हैं, तो इसलिए बैगन लेके आई हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि लवी खा भी लेती है, तो चलिए मैं इसको धो लेती हूँ। आज मैं जितने भी बैगन लाई ना,
आधे से ज़्यादा तो खराब निकले, इसलिए ना मैंने थोड़ी सी इसमें डाल दी शिमला मिर्च। अब लवी खाएगी नहीं खाएगी पता नहीं। मेरा काम तो हो गया है, मैंने सब्जी चढ़ानी थी चढ़ा दी है और रोटी बनाएंगे अभी लवी और मिन्नी। अभी ना किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो अभी मैं पहले बाहर जाऊँगी। जाने से पहले ना एक बार मैं सब्जी हिला लेती हूँ, लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं होता। ये रोटी बना लेते हैं लेकिन ये सब्जी हिलाना भूल जाते हैं। कई बार इन्होंने सब्जी भी जला दी है तो इसलिए मैं पहले सब्जी को थोड़ा हिला लेती हूँ और आँच को कम कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, चलिए चलते हैं बाहर थोड़ी देर के लिए जब तक रोटी बनती है बालकनी में। बाहर अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा। तो दोस्तों कई बार मैं ना यहाँ पे अकेले बैठे रहती हूँ तो यहाँ पे क्या होता है ना, बड़ा सुकून मिलता है मुझे। एक तो फैन यहाँ पे बहुत अच्छा चलता है फुल स्पीड में और थोड़ा बाहर की हवा भी आ जाती है तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे बैठ करके मुझे। तो अभी मैं जब तो रोटी नहीं बन जाती तब तक मैं यहाँ पे बैठे रहती हूँ, फोन भी देखते रहूँगी और हवा भी खाते रहूँगी। तो खाना बन चुका है और ये यहाँ पे लेके भी आ गए हैं तो अभी मुझे इसको परोसना है इनके लिए। तो परोसने के लिए मेरा इंतज़ार करते हैं और ये नहीं कहते हैं कि लगा दें, चलो कोई नहीं मैं ही लगा देती हूँ। खाना लगा दिया है और अब फ़ोन की बैटरी जो है वो भी डाउन हो गई है तो मैं फ़ोन को चार्ज में लगा लेती हूँ और मैं खाना खा लेती हूँ और तब तक आप बने रहे हमारे वीडियो में। फाइनली सारा काम ख़त्म हो चुका है, खाना भी खा लिया है और ये किचन की साफ सफाई भी हो गई है। तो चलिए अब चलते थोड़ी देर बाहर और बाहर लेते हैं ठंडी ठंडी हवा का आनंद। अभी लेके आई है आइसक्रीम, यहीं पे बैठ के खा लेती हूँ। मेरी ना फेवरेट आइसक्रीम है ये। अभी तो आइसक्रीम भी खा ली है और ये खाना भी खा लिया है, आइसक्रीम भी खा ली है, ठंडी ठंडी हवा भी ले ली है, नेचुरल हवा भी ले ली है तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा है। अंदर जाने को बिल्कुल दिल नहीं करता है क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल हवा आ रही है, नेचुरल हवा आ रही है और अंदर तो उमस हो रही है बहुत ज़्यादा और 11 बजने वाला है, अंदर तो जाना ही पड़ेगा तो मन कर रहा है यहीं पर बैठे रहूँ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ब्लॉग, तो अब हम करते हैं ब्लॉग को एंड और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना, गुड नाइट, बाय बाय।